please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इसी बीच बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल खुद अपनी सीट हार गए। रात 11 बजे तक चली मतगणना के बाद सुजानपुर विधानसभा सीट का नतीजा घोषित किया गया, जिसमें प्रेम कुमार धूमल कांग्रेस के राजेंद्र राणा से करीब 1900 वोटों से हार गए। इस बीच उनके कभी पिछड़ने और कभी आगे बढ़ने की खबर सामने आती रही। देर रात तक प्रेम कुमार धूमल के समर्थक उनके घर पर डेरा डालकर बैठे रहे और जीत का दावा करते रहे, लेकिन नतीजा घोषित होने के बाद खुद प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर हाथ जोड़कर समर्थकों के सामने आए और उनको विदा करने लगे। हार के बाद प्रेम कुमार धूमल ने बस इतना कहा कि जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल अपने घर के कमरे में जाकर बंद हो गए। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल 1911 वोटों से राजेंद्र राणा, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे हार गए हैं। चुनाव आयोग को सारे पोस्टल बैलेट्स को स्कैन करके उनकी सत्यता जाननी पड़ी कि क्या वाकई में ये बैलेट जो आए हैं पोस्टल बैलेट्स, ये ठीक हैं या नहीं। चुनाव आयोग से उसको वेरीफाई करवाया गया। उसके बाद फिर जो दो ईवीएम मशीन्स थी उनकी वोटिंग की गई, जिसके बाद ये साफ हो गया कि 1911 वोटों से प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए हैं। प्रेम कुमार धूमल और उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की और उसके बाद वो दोनों खामोशी के साथ अपने घर के अंदर चले गए। और यहाँ पर सतपाल सत्ती, जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी तरफ से भी मीडिया को कोई भी बयान नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भले ही पूरे हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर आई हो, बीजेपी की सरकार बनी हो, लेकिन उनके जो सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल हैं वो एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद देर रात अपना चुनाव हार गए हैं। हमीरपुर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज 18 इंडिया। जो जनता का निर्णय, जनता को जो चाहिए उनको मिल गया, जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद।